महानगरों में फंसे मजदूर वर्ग को उनके एक घर गांव पहुंचाने की सरकार की व्यवस्था के तहत शनिवार को पंजाब के सरहिंद से चलकर कटनी मुड़वारा जाने वाली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन बीना पहुंची। श्रमिकों के लिए चलाई गई इस विशेष रेलगाड़ी से 723 श्रमिक बीना स्टेशन पहुंचे, जिन्हें यहां से बस और अन्य वाहनों की मदद से उनके गृह जिलों तक भेजा गया। इस ट्रेन के माध्यम से सागर संभाग के जिलों के 723 श्रमिक शामिल थे। इन मजदूरों में सागर जिले के अलावा बाहर के मजदूरों को भेजने के लिए बसों के अलावा मैक्सी कैब वाहनों की व्यवस्था की गई थी। पंजाब से। कहाँ के रहने वाले? क्या काम करने गए थे? होटल में काम करते थे। होटल में। कितने दिन से फंसे थे लॉकडाउन में? 2.5 महीना हो गया। इस ट्रेन के यहाँ पहुँचने से एक दिन पूर्व ही जिला प्रशासन ने तैयारियां पुख्ता कर ली थी। स्टेशन से बाहर आने के लिए अलग अलग गेट बनाए गए थे, जिनसे जिलेवार मजदूरों को बाहर निकाला गया, जहां पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। ट्रेन की प्रत्येक बोगी के पास कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिनके द्वारा एक एक डिब्बे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मजदूरों को उतारा गया। स्टेशन से बाहर आने वाले मजदूरों की जांच व्यवस्थाएं भी की गई तथा उनको स्टेशन पर सैनिटाइज कराकर क्रमबद्ध तरीके से उनके लिए तय बसों में बिठाया गया। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मजदूरों के चेहरों पर खुशी और घर जाने का उतावलापन साफ नजर आ रहा था। स्थानीय प्रशासन ने उनके स्वास्थ्य परीक्षण से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्थाएं की थी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पंजाब से जो है करीब 723 मजदूर आए, जिन्हें हमें जो है टीकमगढ़, छतरपुर, सागर के लोकल थे और इंदौर, धार, आसपास के लोग